निर्भया के चारों गुनहगारों को 1 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। फांसी से बचने के लिए दोषी कई कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच दोषी विनय ने अपने हाथों से लिखकर राष्ट्रपति के पास चिट्ठी दया याचिका के रूप में भेजी है। चिट्ठी में विनय ने अपने बूढ़े माँ बाप की दुहाई दी है। चिट्ठी में विनय ने लिखा है कि सर, मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूं, आपके पास मुझे जीवन दान देने का अधिकार है। मैं जेल में रहकर भी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकता हूँ। माँ बाप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, उनका मेरे अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं है। मेरे अंदर बहुत सुधार हुआ है, आप चाहे जो भी सजा देंगे उसे काटकर एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा और जेल से निकलूंगा और अपनी माँ बाप की बहुत सेवा करूंगा। कभी भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा, ना ही गलत करने दूंगा। इसके बाद विनय ने लिखा है कि सर, जब मुझ गरीब पर इतनी कुछ थोपा गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो वो सहा जो कोई सह नहीं सकता, मरना होता तो कब का मौत को गले लगा चुका होता, लेकिन जब से मेरे बूढ़े माँ बाप ने मुझसे जीने को कहा है, उस दिन से मैंने मरने की छोड़ दी है। मुझे फांसी को छोड़कर जितनी भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। मैं हर सजा खुशे खुशे काटने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए जिंदा छोड़ दे। सर, बहुत दुख देखे हैं जीवन में, श्रीमान जी मेरी पहली और आखिरी गलती को माफ करके मुझे नया जीवन प्रदान करें। बता दें कि 22 जनवरी को सभी गुनाहगारों को फांसी दी जानी थी, पर कानूनी पैतराबाजी के कारण टल गई थी। इसके बाद एक बार फिर से 1 फरवरी की तारीख को मुकर्रर की गई है। पवन जल्लाद कल तक प्रोग्राम के मुताबिक तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, जिसके बाद से 1 फरवरी को फांसी की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।